फ्रेंड्स, इस वीडियो अंदर बात करें ना नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आपके भी फ़ोन में, जैसे कि आप नोटिफिकेशंस बहुत आता है यहाँ पे, तो आप उसको किस तरीके से बंद कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, नोकिया के किसी भी डिवाइस में नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ये आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन से या एडवांस पे जाएंगे तो और भी ऐप्स दिखेगा। तो यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स दिखने को मिलेगा। तो आप किसी भी ऐप का नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऑफ है। अगर इसको ऑन करना चाहते तो ऑन कर सकते हो, तो आपका ऐसा दिखेगा। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशंस बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी ऐप्स का नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं और भी बैक करके दूसरे ऐप्स का दिखा देता हूँ, जैसे कि ये गूगल ड्राइव है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।